प्रथम तहलका न्यूज। पंचकुला में अमरण अनशन पर बैठे चयनित पीजीटी संस्कृत पुरुषों ने छठे दिन शिक्षा सदन के सामने सामूहिक मुंडन करवाया। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द ही समस्या का समाधान नहीं हुआ तो महिलाएं भी सामूहिक मुंडन करवाएगी। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अनशन पर बैठे लोगों की जांच की और अब धीरे धीरे प्रदर्शनकारियों की तबीयत बिगड़ने लगी है। वहीं धरने पर बैठे प्रधान नरेंद्र कौशिक और बाकी सब लोगों का कहना है कि यदि जल्द ही समाधान नहीं होता तो सरकार से सीधी टक्कर होगी और इसके जो भी परिणाम होंगे उसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे साथियों ने अब सामूहिक मुंडन करवाया है। हमारा पीजीटी संस्कृत का रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट 1 जनवरी 2019 को घोषित हो गया था। सरकार द्वारा 523 का चयन किया गया था, उसके बाद 15 महीने होने को हैं, आज तक हमारी नियुक्ति नहीं करवाई है। इसी संदर्भ में हमारे 6 साथी आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, उनकी सरकार ने अभी तक सुध नहीं ली है। इसी रोष प्रकट करते हुए हम यहाँ DSC में चेतावनी देने आए हैं, या तो सरकार हमारी सुध ले ले और जल्दी से जल्दी हमारी नियुक्ति करवा दे, नहीं तो हम सीधा सीधा सरकार से टकराने के लिए तैयार हैं। इसके लिए सरकार, जो भी नुकसान होगा सरकार खुद जिम्मेवार होगी। आज तो पुरुषों ने मुंडन करवाया है, कल को महिला साथी भी मुंडन करवाएंगी, इससे शर्म की बात सरकार, हरियाणा सरकार के लिए नहीं होगी कि हरियाणा की बेटियां जो बड़े बड़े स्लोगन दिए जा रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे जो सरकार बोल रही है, ये सब जुमलेबाजी दिखाई देगी। ये अगर बेटियां मुंडन करवाएंगी तो ये इससे हरियाणा सरकार के लिए शर्म की बात नहीं है। दरअसल हरियाणा सरकार द्वारा 2015 में निकाली गई अध्यापकों की भर्ती में से पीजीटी संस्कृत का अंतिम परिणाम 1 जनवरी 2019 को हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा घोषित कर दिया गया था, परंतु सरकार द्वारा अभी तक इन चयनित अध्यापकों को नियुक्ति पत्र प्रदान नहीं किए गए हैं। इस कारण ये चयनित अध्यापक 15 मार्च से आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। प्रथम तहलका के लिए पंचकुला से उमंग की रिपोर्ट।